नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को लेकर सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्पेसएक्स ने बताया कि डॉकिंग कंफर्म्ड क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया है। असल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स का चालक दल के साथ यह पहला मिशन है और यह अमेरिकी सरकार द्वारा 2011 में अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम को सेवानिवृत्त किए जाने के बाद चालक दल के साथ अमेरिका का भी पहला लॉन्च है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच काफी समय से ट्रेड वॉर चल रहा है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसीलिए चीन ने भारत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर से दूर रहे। चीन के ट्रेड सलाह देते हुए लिखा कि अच्छा होगा अगर भारत अमेरिका चीन के मामलों से दूर रहे, और इसके साथ ही लिखा है अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। बेहतर होगा भारत इस कोल्ड वॉर से बाहर रहे, जिससे कि दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक संबंध बने रहे। चीन का कहना है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाए रखना ही उसका लक्ष्य है। इसीलिए चीन आगे भी भारत में चल रहे आर्थिक सुधार के लिए दोनों देशों के बीच के संबंध को बेहतर बनाए रखेगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए समोसे की फोटो डाली। इसमें उन्होंने 4 जून को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि इस सप्ताह होने वाली बैठक अगर आमने सामने बैठकर होती है तो वे इसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेयर करते, क्योंकि वे शाकाहारी हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, समोसे दिखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं, जैसे ही कोरोना के खिलाफ हमें जीत मिलती है हम साथ बैठकर समोसे का आनंद उठाएंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हिंद महासागर से जुड़े हैं और समोसे से बंधे हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को कहा है कि समोसा दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है, एक बार जैसे ही कोविड-19 के खिलाफ हमें निर्णायक जीत मिलती है तो हम इसका साथ बैठकर लुत्फ उठाएंगे। वहीं पाकिस्तान सरकार कर्ज लेने का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अपने पुराने विदेशी कर्जों के भुगतान और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए पाक सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 15 अरब डॉलर का लोन लेने की योजना बना रही है। एक साल में पाकिस्तान द्वारा लिया जाने वाला सबसे बड़ा कर्ज होगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 15 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में से करीब 10 अरब डॉलर का इस्तेमाल पुराने मैच्योर हो चुके कर्ज के भुगतान में किया जाएगा। ये राशि ब्याज भुगतान के अतिरिक्त है। शेष राशि देश के बाहरी सार्वजनिक ऋण का हिस्सा बन जाएगी, जो कि इस साल मार्च अंत तक बढ़कर करीब 86.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को 1.39 अरब डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया था। तो वही पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। दोनों को पाकिस्तान भेज दिया गया। दिल्ली के करोलबाग से रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते थे।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई देता था। तो वहीं इस बड़ी कार्रवाई पर पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि ये पूर्व नियोजित योजना के तहत की गई कार्रवाई है जो पाकिस्तान विरोधी प्रचार का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले आबिद के पास से दिल्ली के गीता कॉलोनी के नासिर नाम का आधार कार्ड मिला। आबिद और ताहिर आर्मी पर्सन को टारगेट करते थे और खुद को इंडियन बताते थे। तो वही उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी दी। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 373 नए मामले सामने आए। अभी राज्य में 3083 एक्टिव केस हैं और 4891 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक करीब 217 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। वहीं अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लॉकडाउन में बड़ी परेशानी झेलने वाले हर निराश्रित के पास योगी सरकार पहुंचेगी, जिसके लिए गरीब और मजदूर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों के साथ शहरी निराश्रितों के लिए भी सरकार का खजाना खोल दिया है। उन्होंने इस संकट की घड़ी में निराश्रितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और अब इनको राशन के साथ ही आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हर रोज की तरह ही इस बार भी उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता की और योगी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं इस कोरोना महामारी के बीच गरीब बेसहारा और निराश्रित लोगों के लिए उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में निराश्रितों के देखभाल के साथ ही उनकी हर प्रकार से मदद की जाएगी और हर मदद की जिम्मेदारी वहां के नगर निकाय की होगी। निराश्रित की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 373 नए मामले सामने आए हैं और इस समय राज्य में एक्टिव केस की संख्या है 3083, जिनमें आपको हम बता दें कि 4891 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 217 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर उस गरीब बेसहारा निराश्रित और प्रवासी श्रमिक के साथ है जो इस समय आर्थिक तंगी झेल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी बेरोजगार है उनके लिए भी बराबर योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि वो बेरोजगार ना रहे, उन्हें हर प्रकार से उनकी सहायता भी की जाएगी। तो हमें इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा साथ में जुड़े हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आज अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता कर निराश्रितों के लिए योगी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उस पर जानकारी दी, और क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो टीम 11 की बैठक की है उसमें जो अनलॉक 5वें की जो शुरुआत जो 5वां लॉकडाउन है जिसकी शुरुआत आज हुई है उसके बारे में जो गाइडलाइंस थी केंद्र सरकार की उसको जारी तो कल रात में कर दिया गया, आज से उसका अनुपालन कराना है उसके बारे में चर्चा हुई और कहा कि जो इसका कड़ाई से पालन करना है। साथ ही मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि हाईवे पे बाजारों में पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग करने का आदेश मुख्यमंत्री ने, ताकि निगरानी रखी जा सके कि जो ये छूट और जो ये राहत थोड़ी सी रियायत दी गई है इसमें कहीं लोग इसका उल्लंघन न करें ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो न फैले। इसलिए कि बहुत मेहनत बड़ी एक तरह से कहें कि बड़े कड़ा प्रयास करके बहुत नियोजित तरीके से इस संक्रमण को उत्तर प्रदेश सरकार ने रोका है, तो जो गाइडलाइन का है उसका पालन सुरक्षित हो, उसकी निगरानी हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 1587 ट्रेनें प्रदेश में आई जिसमें 21,50,000 मजदूर आए थे, ये आंकड़ा था उनका, यानी लगभग 22,50,000 मजदूर केवल ट्रेनों से आए हैं, बाकी अन्य साधनों से भी आए हैं। उनका यह भी कहना था कि 3,18,223 SMEs शुरू हो चुके हैं, यानी जो सूक्ष्म लघु ये शुरू हो चुके हैं, 77,830 औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम शुरू कर लिया है। तो कुल मिला के मोटा मोटी ये है कि जो आज से जो पांचवा अनलॉक जिसका नाम अनलॉक 5वां लॉकडाउन रखा गया है
उस पर निगरानी रखनी है, उसमें जितने भी उपाय सरकार की तरफ से किए जाने हैं उनका अनुपालन बहुत कड़ाई से करना है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई महामारी जैसी स्थिति पैदा ना हो। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा, और ये जरूरी भी है कि अनलॉक वन या फिर पांचवे लॉकडाउन में जो जितनी भी छूट दी गई है उसके बारे में पूरी तरीके से निगरानी रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि ये कोरोना संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है उस गति पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल के तरफ से एक और विवादास्पद फैसला किया गया है। नेपाल सरकार ने नेपाल में प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दी है और ऐसा पहली बार हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोकटोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी। नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था यह निर्णय उसी दौरान लिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा कर रखा, राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है और यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। तो देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का महासंकट जारी है, लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इन कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया और तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की माने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा सेक्टर के पास तीन आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया और अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और भारत में भी अब इस वायरस की जड़ें काफी मजबूत हो गई हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या तेजी से 2 लाख के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। अब तक देश में करीब 5,000 से भी अधिक लोग इस महामारी के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना केस में तेजी का असर है कि भारत अब दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के केस में भारत ने फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। यूरोप के इन देशों में कोरोना वायरस के मामलों में रफ्तार जरूर कम हुई और भारत में अब यह रफ्तार तेजी पकड़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में आया था। शुरुआती तीनों केस ही केरल से आए थे, उसके बाद करीब मार्च में जाकर देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी, वैसे ही कोरोना के बाद अब दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी, लेकिन अब
मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भारत ने पिछले 6 साल में कई बड़े फैसले लिए। हम 4 पिलर पर काम कर रहे हैं। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि आज आयुष्मान भारत की वजह से देश में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को राहत मिली है और उनका मुफ्त में इलाज हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि देश में वैश्विक लेवल की मेडिकल सुविधाएं शुरू की जाए और इसके अलावा हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्वास्थ्यकर्मी एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस दिखता नहीं है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की मेहनत आज सभी को दिखाई दे रही है। पीएम ने कहा कि दुनिया भर की निगाहें आज भारत के चिकित्सकों पर ही टिकी हैं। तो वहीं इस पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े। जी नीरज, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, हालांकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को संबोधित किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संबोधन देश की पूरी जनता को था, देश के उन कोरोना वॉरियर्स को था जो अपनी जान हथेली पर रखकर आज भी कोरोना से लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे नीरज? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन भले ही कर्नाटक के एक यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन उनका जो संबोधन होता है वो देश के लिए होता है और इस बार भी संबोधन उनका ये पूरा देश के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि पहले वैश्वीकरण को लेकर जो चर्चा होती थी, अब आर्थिक मामलों पर अधिक चर्चा हो रही है, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही। और साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को लेकर जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, और इस समय जो सबसे बड़ा वैश्विक संकट पूरे विश्व में है वो कोरोना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना जो पूरा संबोधन था वो कोरोना के इर्द गिर्द रखा और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया और अपनी स्थिति भी बताई कि आखिर हम किस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं और दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो क्यों आखिर भारत पर आकर टिकी है, क्योंकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। हमारे यहाँ जो ठीक होने का आंकड़ा है वो भी काफी बेहतर है अन्य देशों की वजह से। तो उन तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रखी और साथ ही साथ सभी का उत्साह बढ़ाया कि किस तरह से पूरा देश एकजुट होकर इस कोरोना जैसी वैश्विक जो महामारी है उससे लड़ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत की का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से आयुष्मान भारत के आने के बाद फिर लोगों तक दवाएं पहुंच रही हैं, लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको किस तरह से आयुष्मान भारत के तहत ठीक किया जा रहा है, यानी कि छोटी छोटी बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया और किस तरह से जो समस्या थी उसको निपटने में भारत सक्षम है और आगे की जो रणनीति है उसको भी अपने भाषण में उन्होंने इशारों में बताया। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये संबोधन इस, हम कह सकते हैं, अनलॉक 1 या फिर 5वें लॉकडाउन में बेहद जरूरी भी हो गया था और देश की हर एक जनता उनके संबोधन का शायद इंतजार भी कर रही थी। फिलहाल नीरज, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हुई, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया। इसके तहत कई तरह की छूट आज से देश भर में लागू हुई और लॉकडाउन की सख्ती सिर्फ कोरोना से प्रभावित कंटेनमेंट जोन तक ही रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना मामलों की संख्या में अब तक 1.9 अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का भी फैसला लिया, यहां तक कि अगले एक हफ्ते तक सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद लोगों के जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली में सभी दुकानें खुलेंगी, अब ऑड इवन का नियम लागू नहीं होगा, दिल्ली में अब सैलून की भी दुकानें खुल जाएंगी और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खुलेगा। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी,
सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं, उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी सरकारी योजना पीडीएस के लिए सोमवार यानी कि 1 जून की तारीख काफी अहम है। आज से देश के 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का घोषणा करते समय इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 81 करोड़ एनएफएसए लाभुकों को देश भर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैया कराने वाली महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन मोदी 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरोना संकट के इस काल में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना काफी अहम साबित होने वाली है। इससे देश के प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में कम रेट पर अनाज मिल सकेगा। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े। मनीष, जिस प्रकार से आज वन नेशन वन राशन का की जो योजना है वो लागू कर दी गई है, लेकिन एक काफी अच्छी और अहम योजना ये साबित होने वाली है, क्योंकि देश में जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं या गरीब बेसहारा लोग हैं जो अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक काफी अच्छी और राहत देने वाली ये खबर है। क्या कहेंगे मनीष? कोरोना संकट के बीच निश्चित तौर पर इससे पहले वित्त मंत्री ने ऐलान किया था आत्मनिर्भर राहत पैकेज का उमंग। इसमें ये साफ तौर पर कहा था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जा रहा है और 1 जून से लागू होगी देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। इस योजना की जो सबसे खास बात यह है कि आपके पास एक राशन कार्ड है और एक राशन कार्ड आपके पास पांडिचेरी में है तो वही लखनऊ में काम करेगा। मतलब पूरी तरह से नेशनल पोर्टेबिलिटी स्कीम है और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था भारत सरकार ने जिसमें आपको राशन कहीं से भी मिल सकता है। फिलहाल ये 1 जून से सब जगह लागू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पे कोरोना संकट के बीच में ही ये योजना लागू की गई थी और इसका लाभ अब तक उत्तर प्रदेश में तमाम लोग उठा भी चुके हैं। उमंग, तमाम ऐसे प्रवासी थे जो उत्तर प्रदेश में फंसे हुए थे जो और राज्यों के थे, जैसे मैं उदाहरण दूं तेलंगाना के तकरीबन 60 ऐसे श्रमिक थे जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज इंडिया से मिले थे, अपने घर नहीं जा पा रहे थे, इनके पास अपने अपने राशन कार्ड थे और इनको यहाँ पे राशन मिला था और इन्होंने ये बात न्यूज इंडिया से भी साझा की थी कि हमारे लिए इस समय ये राशन कार्ड वरदान की तरह है क्योंकि जो राशन हमें अपने अपने प्रदेश में मिलना था वही राशन हमें उत्तर प्रदेश में इसी राशन कार्ड के आधार पर मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और नेशनल पोर्टेबिलिटी स्कीम सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड पर ही नहीं, मनरेगा समेत तमाम ऐसे जरूरी और गरीबों के लिए जो लाभदायक योजना है उसमें भी लागू करने की कवायद की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं में अब आगे बढ़ करके काम आ रही है। उमंग, बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा और ये हर उस गरीब बेसहारा जो मजदूर है जो अभी भी दूसरे राज्य में फंसे हैं उनके लिए तो राहत की खबर है ही, और साथ ही साथ वो लोग जो अब वापस अगर जाना चाहते हैं तो उनको भी अब इस एक जो वन नेशन वन राशन कार्ड वाली जो योजना है उसका लाभ वो उठा पाएंगे और अब उन्हें अपने परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू करके हर उस बेसहारा को, हर उस व्यक्ति को जिसे राशन लेने में दिक्कत आती थी दूसरे राज्यों में, काफी हद तक उनकी ये जो मुश्किल है वो हल कर दी है। मनीष, फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।